Hi guys, welcome back to our channel Aviksha Vlogs. और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत बढ़िया एंटरटेनिंग आप सबके लिए, बिकॉज आज हम जा रहे हैं रिधम की बहन के एंगेजमेंट पे. दीदी की एंगेजमेंट है तो दीदी को ढेर सारी बधाइयाँ, उन्होंने हमें बुलाया है. थैंक यू दीदी. तो भाई रिधम, जिसको नहीं पता, वो मेरे कॉलेज का फ्रेंड है और हम नवनीत का भी फ्रेंड है, बिकॉज हम बहुत बार मिल चुके हैं. तो जा रहे हैं हम एज अ कपल. ये हमारा पहला फंक्शन होगा वैसे, है ना, ऐसे किसी दोस्त वोस्त वाला. अच्छा, कपल तो कब से है पर फंक्शन में तो पहले ऐसे जा रहे हैं ना. अच्छा, पहले कहाँ गए हैं. तो फिर से थैंक यू भाई रिधम. तो गाइज, फंक्शन है करनाल में, हम जा रहे हैं करनाल. अभी बज रही है शाम को 4 बजे. अभी हमने के एम पी पे जा रहे हैं बस फटाफट करनाल की तरफ, और दिखाते हैं आपको कैसे जाता है पूरा दिन. गाइस यार, ओनी आ चुके हैं खाने. हवाई अड्डा मूर्थल पे हमारा स्टे है. दिखाते हैं आपको कैसा है ये. गाइस अभी हम बैठे हैं बिजनेस क्लास में, हमारी फ्लाइट उड़ने वाली है. फ्लाइट में हमारा ऑर्डर होते हुए आ चुके हैं कैफे, क्या था वो, हवाई अड्डे से. खाना जो था ओके था, मतलब बहुत बेकार था. इसको नहीं अच्छा लगा, मुझे ओके लगा. जैसे कोल्ड कॉफी बस एक्सट्रीम मीठी. थाली मंगाई थी हमने, ठीक थी थाली. पीने का जो था वो बहुत मीठा था, चावल नहीं अच्छे थे, फुलके और सब्जियां ठीक थी. तो वहाँ से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं अपने दोस्त के यहाँ. फिर जाके तैयार होंगे और फिर दिखाते हैं आपको रात को कैसे होता है मनोरंजन. तो गाइस हम हो गए रेडी और यार होने लगा दिया गाड़ी वेन्यू पे. अरे ब्लॉग, यो ब्लॉग. गाइस तो हम जा रहे हैं दीदी से मिलने. छावड़ा फिर से शायद फील करता हूँ. और ये बत्रा बाऊ बन के कि यही मिलवाएगा. वो पहले क्यों जा रहा है? नहीं कसम है जब. हाय ओहो, एकदम पीछे पीछे आ रहा है क्या? ग्रोवर फैमिली की तरफ से और शर्मा फैमिली की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं. आप सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया कि आपने इस हसीन शाम को और हसीन बना दिया. थैंक यू सो मच. अब हम आशु, अंकित और बहन के लिए कुछ लाइनें बोलेंगे. मुस्कुराहट का कोई अपना
कल सवेरे पहुंची हो। सुन करनाल में ठेक वो दे दे इनको, ठेका गए पेट्रोल यार इनके नाम ये तो गाइज अब आ चुके हैं हम खाना खाने। ये खाना डल चुका है, बतरा मुंह बना रहा है अपना, इसका देख लो भाई रिदम। ये रिदम के लिए मैं रिकॉर्डिंग ले रही हूँ कि भाई एक प्लेट में हम दो खा रहे हैं और ये अलग खा रहे हैं। मैं तो ये पुलकित का डाला है, मेरा नहीं। तो अभी हम खाना खा रहे हैं, बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी को मेरी तरफ से भी। मेन अपना काम यही होता है खाने का। और अभी आपको नमन की अलग से प्लेट दिखा देते हैं। नमन की प्लेट है ये, नमन और ये पुलकित दिखूं तो खा तो छोड़ दो। आज ये बात है कि कितनी प्लेटें बन रही। सही है, बच गया। बाप क्या क्या वो कहता है जो तुम यहाँ के हरकतें करते हो फूफो की तरह। गाइस पूरे मेंबर मेरे ख्याल से सबकी शादी, सबने शादी नहीं खाओ खाली फिर खाने के लिए तो बुलाया है। सही बात है, देखो अंकल ये सच में मतलब बोल अंकल इसको एक घंटा हो गया पूरा खाई जा रहा इसको एक घंटा हो गया रोटी कब मिली है रोटी ने पूछ रहा हमको बताओ। अरे वो शक्ल देख के पूछते हैं अंकल ये दोपहर को खाना नहीं खाया तो दोपहर को भी बहुत होगा इसमें खाना नहीं खाया अंकल ये कोई भी नहीं आजकल के बच्चे सारे ऐसे ही हैं बहुत खाता था अंकल चार बार डाल लाए दो बार नंगे पैर गए कॉलेज में रिदम के पैसे लेता है अभी तक देने हैं इसने उसके ले लो आज हाँ दे दे भाई अंकल सपोर्ट तो मैंने भी किया है। आप इजी की कंपनी में मैं नहीं अच्छा मैं गुड़गांव में अब जान पूछ के क्रेडिट क्यों ले रहे हो मैंने थोड़ी किया यार पूछ लेना रिदम से पूछ ही लेते हैं हाँ रिदम से पूछ ही लेते हैं पेपर किसने पास कराया चीटिंग तो कोई कराता नहीं था मैं ही कराती थी बहुत अच्छा पर अंकल लगा नहीं था सच में मुझे पुलकित को कराइए चीटिंग पुलकित कराइए कि नहीं बोल इसने रिदम के 6,000 देने मैं कह रही हूँ अंकल को दे दे इसको एक अलार्म लेके दे दे नील में अच्छे दोस्त होते काफी जब अलार्म नील में आ गया तो क्या करेगा ये मम्मी पापा को क्यों नहीं देखा यार तो गाइस अब एक पावन अवसर होने वाला है बतरे के राखी बहुत बहुत सालों बाद हम मना अब बतरे को राखी बांध रही हूँ कॉलेज में बांधी थी अब फिर ये अवसर आया है जो बतरे से फिर लेना हुआ है अफसर नहीं होता अवसर होता पागल अफसर ही बोला है अफसर नहीं अवसर अरे यार अफसर अफसर राखी पे कंसंट्रेट करो भाई ये अपना वही ना नंबर बनाने के लिए कि व्लॉग में अपने कुछ वर्ड्स थोड़ा व्लॉग 2 मिनट्स इंक्रीज हो नमन थोड़ा पेट अंदर कट ठीक लग रहा है अब ठीक लग रहा है तो गाइस आपको नजर के लगाएगा नहीं नहीं लगे गाना तो गा दो यार भैया मेरे कर दो क्लैपिंग आवाज तो आने दे क्लैपिंग की आवाज भी चलो अपने फ्रेंड आदि भाई को बुला पत्र ये अभी ऐसे ही है पूरा डब्बा है क्या हां तेरा ही है तेरी लाइन दे भाई होम स्वीट का होम स्वीट की गुड़गांव की पागल है क्या अरे शगन है ये तो दिए तूने नहीं नहीं अरे व्लॉग के लिए कर रहा है गाइस गाइस हो गया फंक्शन डन अब हम जा रहे हैं यार होनी सब सेट हो गए घर जा रहे हैं फटाफट बस एक अनमोल ही है जो यहां रहेगा यो तो रिदम थैंक यू यार हम सबको बुलाने के लिए चलो मेरे को बहुत अच्छा लगा तुम सारे आए एक किलो मिठाई देने ये ये लिफाफा देख लो हां ये अनमोल का है लास्ट वो मिल नहीं रहा भाई कह रहा बहुत खर्चोड़े रहने देना भाई कह रहा कौन सा भाई मेरे को तो अभी मिला ही नहीं
गाइस पर गाइस पर बतराना सपोर्ट सपोर्ट करता है तुम्हारे मजाक को ये की नहीं बताओ सपोर्ट करता है कि नहीं बतरा मजाक को तुम्हारे तो गाइस चलो कर देना ब्लॉग को सब्सक्राइब और चितकारा वाले चैनल को सब्सक्राइब भाई रोज बोल के नहीं तेरे को याद हो रहा कोई नहीं चलो चलो यार डांटो नहीं अनमोल पुलकित बाय बोलेगा ठीक है पुलकित तेज पुलकित व्लॉग एंड करना है ऐसे नहीं पूरा सब्सक्राइब वाला लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो तो गाइस अब तो पुलकित ने कह दिया जल्दी से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।